30,000 to 40,000 applicants for this. The organizers had hoped to restrict the number to about 15,000, but despite that, they were unable to do so. The enthusiasm of the children was far too much, and more than 25,000 people turned up for it. Some of the youngsters also turned up in skates. Okay, yes, sir. Okay, just one big thing in there. Wait. In action. कंप्यूटर कंप्यूटर की दुनिया में भाषाओं के मसले का सही हल निकालने की कोशिश में इस संस्था के लोग कई सालों से जुटे हुए हैं और अब इनकी इजाद की टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पर इसका डेट क्या मैंने बोला था अभी ला कंप्यूटर की दुनिया में भाषाओं के मसले का सही हल निकालने की कोशिश में इस संस्था के लोग कई सालों से जुटे हुए हैं और अब इनकी इजाद की टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से तैयार है वन मोर टेक कट करें कट करो कट करो कंप्यूटर की दुनिया में भाषा के मसले का सही हल निकालने की कोशिश में इस संस्था के लोग कई सालों से जुटे हुए हैं और अब इनकी इजाद की हुई टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से तैयार है वन टेक लास्ट टेक क्या आया कंप्यूटर की दुनिया में भाषाओं का मसले सॉरी कट करो यार कट करो वेट 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 अभी बाद में नहीं करना कंप्यूटर की दुनिया में भाषाओं के मसले का सही हल निकालने की कोशिश में इस संस्था के लोग कई सालों से जुटे हुए हैं क्या वो कंप्यूटर्स की दुनिया में भाषाओं के मसले का सही हल निकालने की कोशिश में इस संस्था के लोग कई सालों से जुटे हुए हैं और अब इनकी इजाद की टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से तैयार है बेस्ट सोफा
थॉट लिखते हैं, लुक एट दैट पॉइंट हियर। आज हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा बन चुकी है और कंप्यूटरों पे आमतौर पे अंग्रेजी के माध्यम से ही काम चलता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि अंग्रेजी से आधुनिक कंप्यूटर युग में अन्य भाषाओं को खतरा पैदा हो चुका है। हम मानते हैं कि कंप्यूटर के सहाय अंग्रेजी के साथ अन्य भाषाएं भी पनप सकती है, निखर सकती है। जिस टेक्नोलॉजी का यही मतलब रहा है, यही मकसद रहा है। हम देख रहे हैं कि आज अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा बन चुकी है और आमतौर पे कंप्यूटर में अंग्रेजी से ही काम होता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि अंग्रेजी से अन्य भाषाओं को खतरा नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आज अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा बन चुकी है और आमतौर पे कंप्यूटर में अंग्रेजी के माध्यम से ही काम होता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि अंग्रेजी से अन्य भाषाओं को खतरा है। खतरा तब है कि जब अन्य भाषाएं कंप्यूटर पर उपलब्ध न हो। हम मानते हैं कि कंप्यूटर के सहाय अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाएं भी पनप सकती है, उभर सकती है और इसी के जरिए हमारे संस्कृति का विकसीकरण होगा और हमारी संस्कृति निखर सकेगी। जिस टेक्नोलॉजी का यही मकसद रहा है कि अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाएं और विश्व की अन्य भाषाएं पनप सके। जिस टेक्नोलॉजी का यही मकसद रहा है कि अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाएं और विश्व की अन्य भाषाएं भी पनप सके। भारत की एकता के लिए यह जरूरी है कि हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की सारी भाषाएं मिलजुल कर रह सके। जिस टेक्नोलॉजी बनाते समय हमने यही ध्यान में रखा है। भारत की एकता के लिए यह जरूरी है कि हिंदी ही नहीं बल्कि देश की सारी भाषाएं मिलजुल कर रह सके। जिस टेक्नोलॉजी बनाते समय हमने यही ध्यान में रखा है। शुरुआत से हमारा यही मकसद रहा है कि अंग्रेजी के साथ साथ सारी भारतीय भाषाएं एक ही कीबोर्ड पर है कि अंग्रेजी के साथ साथ सारी भारतीय भाषाएं एक ही कीबोर्ड पर मौजूद हों। और ये इसलिए संभव है क्योंकि इन सारी भाषाओं की उत्पत्ति आदि लिपि ब्राह्मी से हुई है। शुरुआत से हमारा यही मकसद रहा है कि अंग्रेजी के साथ साथ सारी भारतीय भाषाएं एक ही कीबोर्ड पर मौजूद हों। और ये इसलिए संभव है क्योंकि इन सारी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति आदि लिपि ब्राह्मी से हुई है। शुरुआत से हमारा यही मकसद रहा है
कि अंग्रेजी के साथ साथ सारी भारतीय भाषाएं एक ही कीबोर्ड पर मौजूद हों। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इन सारी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति आदि लिपि ब्राह्मी से हुई है। शुरुआत से हमारा यही मकसद रहा है कि अंग्रेजी के साथ साथ सारी भाषाओं के ऊपर शुरुआत से हमारा यही लक्ष्य रहा है अगेन कट शुरुआत से हमारा यही मकसद रहा है कि अंग्रेजी के साथ साथ सारी भारतीय भाषाएं एक ही कीबोर्ड पर मौजूद हों। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इन सारी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसमें जिसमें ब्राह्मी उत्पन्न लिपियों के अलावा अन्य लिपियां भी मौजूद हैं, जिस तरह की परसो अरबिक समूह जिसमें उर्दू, कश्मीरी और सिंधी शामिल हैं। मेरे सामने यहाँ उर्दू में लिखी हुई एक कहानी है जिसको मैं सिंधी में भी देख सकता हूँ या कश्मीरी में, यहाँ तक कि मैं इसकी लिपि को हिंदी में बदल सकता हूँ, जैसे कि या गुजराती में। याद रखिए कि ये खाली लिपि की बदल है, न कि अनुवाद। इसी को फिर से जिसमें ब्राह्मी लिपि जिस्ट में ब्राह्मी उत्पन्न लिपियों के अलावा अन्य लिपियां भी शामिल हैं, जैसे कि परसो अरबिक समूह जिसमें कि उर्दू, सिंधी और कश्मीरी लिपियां शामिल हैं। मेरे सामने एक उर्दू की कहानी है जिसको कि मैं सिंधी या कश्मीरी लिपि में भी देख सकता हूँ, यहाँ तक कि इसका लिप्यांतरण मैं गुजराती या हिंदी लिपि में भी कर सकता हूँ। याद रखिए ये खाली लिपि का बदल है, न कि अनुवाद। याद रखिए ये अनुवाद नहीं, सिर्फ लिपि का बदल है। हिंदुस्तानी जबान उर्दू और देवनागरी लिपि दोनों में लिखी जाती है, दोनों में लिखी जा सकती है। याद रखिए ये अनुवाद नहीं, सिर्फ लिपि का बदल है। हिंदुस्तानी जबान उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जा सकती है।